आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपके मोबाइल पर आपका डेटा MB आपको दिखाई नहीं देता है, कि आपने डेटा MB अपना कितना यूज किया है। जैसे आपको 1.5 GB डेटा मिलता है एक दिन का, या आपको 2 GB डेटा मिलता है एक दिन का, लेकिन अब आप अपने मोबाइल को चलाते रहते हैं, हो सकता है कि आप अपने मोबाइल में बहुत सारा आप कुछ देख रहे हैं और आपका डेटा 50% ख़त्म हो गया, 60% ख़त्म हो गया, आपका 80% ख़त्म हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि यार हमारा डेटा गया कहाँ पर और कितना मैंने डेटा कब तक यूज किया है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आपने अपने मोबाइल को आपने 1 घंटे के लिए यूट्यूब चलाया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 घंटे में अपना डेटा कितना ख़त्म कर दिया है, आपका डेटा कितना बचा हुआ है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बस ये ध्यान से देखना। वैसे हम अपना दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास हमें जो डेटा मिलता है वो हमें 0 मिलता है, यानी कि हमें डेटा 1 भी नहीं मिलता है। मैंने अपने वाईफाई से 1.13 GB यूज किया हुआ है। तो हमारे पास एक ये सेकेंड मोबाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपना वाईफाई हम कनेक्ट करके रखते हैं, जो हमारा कनेक्ट है जैसा कि देख सकते हैं। तो मैंने वाईफाई से कितना डेटा यूज किया वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम अपना पर्सनल डेटा यूज करेंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको अपना पर्सनल देखना है या आप वाईफाई से देखें, सब कुछ आपको दिखाई देगा अगर आपके मोबाइल पर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला सेटिंग है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा, सर्च बार पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप टाइप करिए स्टेटस और उसके बाद बार। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे स्टेटस बार, तो आपके सामने एक सेटिंग निकल के आ जाएगा स्टेटस बार के नाम से, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क स्पीड इनेबल, तो उसे आप चालू कर दीजिए। अगर आपको इस तरीके से ना दिखाई दे तो आपको फिर सर्च करना होगा नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर, तो उसे आप चालू कर दें। तो आपके मोबाइल में नेटवर्क स्पीड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा या यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका डेटा यूजेस भी आपको दिखाई देता रहेगा। लेकिन किसी किसी मोबाइल में ये सेटिंग नहीं होता है, जैसे हमारे सैमसंग के मोबाइल में नहीं है। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और जैसे आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, फिर अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा सेटिंग मिल जाता है। कैसे मिलेगा, तो अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करिए। जैसे आप उसे ओपन करेंगे, वह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये सेटिंग बंद कर देंगे, तो इस तरीके से ये सेटिंग आपका बंद होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोई भी हमें शो नहीं हो रहा है, वाईफाई वाला और यहाँ पर इंटरनेट वाला, और नेटवर्क स्पीड भी कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे आप इस सेटिंग को चालू करेंगे तो आपके मोबाइल में सब कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप ये सेटिंग यहां पर चालू कर दीजिए। तो आप नीचे आएंगे तो ये सेटिंग आपको यहां पर मिलेगा डेली डाटा और वाईफाई। अगर आप ये सेटिंग बंद करके रखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा, तो ये सेटिंग आप चालू कर दीजिए। अगर आप अपलोडिंग स्पीड भी देखना चाहते हैं तो इसे भी आप चालू कर देंगे, तो यहां पर आपका अपलोडिंग स्पीड भी आ जाएगा, वाईफाई आ जाएगा और डेटा आ जाएगा, सब कुछ आपका यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल में आपका नेटवर्क स्पीड और अपलोडिंग स्पीड, डेटा यूजेस, वाईफाई यूजेस, सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। अगर आपने टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।